यहाँ तो दिख नहीं रही, ऊपर जाके देखें। चल। I want Gopal, Mama. गोपाल इन लोगों को भी जानता है। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कुछ भी हो सकता है और बीते कुछ सालों में साबित भी हुआ है। फिल्मों में एक्टर्स अलग अलग तरह के किरदारों को निभाते हुए नजर आते हैं जिन्हें ऑडियंस काफी पसंद करती है, और उन सभी किरदारों में से एक होता है मेल एक्टर्स द्वारा प्ले किए गए एक फीमेल किरदार। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर फीमेल कैरेक्टर प्ले किया है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। नो, मेरे बच्चे का बाप बन जाए। रितेश देशमुख अपनी कमाल की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार बॉलीवुड फिल्मों में एक लड़की का किरदार प्ले किया है। फिल्म अपना सपना मनी मनी और हाउसफुल जैसी मूवीज में रितेश देशमुख लड़की बने हुए नजर आए हैं, और कई बार उनके इन रोल्स के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी कमाल की एक्टिंग और डिफरेंट रोल्स के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि आमिर खान ने फिल्म बाजी में लड़की का किरदार प्ले किया था। आपको क्या लगता है कि इस लुक में आमिर खान कैसे लग रहे होंगे? चलिए आपको बता ही देते हैं। इस लुक में आमिर खान एक टिपिकल मोहल्ले की आंटी की तरह नजर आए थे। मैं इस एरिया की क्वीन हूं, क्वीन हूं, लिव लाइफ क्वीन साइज। अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में उनके प्रेटी लेडी वाले किरदार को भला कौन भूल सकता है। इस लुक में खिलाड़ी कुमार ने काफी कहर ढाया था, और इस मूवी में अक्षय कुमार की एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया था। सलमान खान अपनी फिल्म जाने मन में फीमेल लुक में नजर आए थे। सलमान खान का मस्कुलर लेडी वाला लुक ऑडियंस को कुछ खास रास नहीं आया था। मैं बदलत के गले लग जाऊं। तुम लोग दोनों इतनी छोटी हो, सुंदर हो। गोविंद अपनी कमाल की एक्टिंग और डांस के लिए जाने जाते हैं। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में कई बार लड़की का किरदार प्ले किया है, जिसमे आंटी नंबर वन और राजा बाबू जैसी मूवी शामिल है। जैसा लेडी का किरदार गोविंद सिल्वर स्क्रीन पर प्ले करते हैं, शायद ही कोई और बॉलीवुड का ऐसा एक्टर होगा जिसने इतनी नजाकत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लेडी का रोल प्ले किया हो। इसलिए कौन जाती है? हाय दया। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू ऐसा करना, मेरे साथ बैठना। नहीं बैठूं। जॉनी लीवर बॉलीवुड के बिगेस्ट कॉमेडियन है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी एंटरटेन किया है। वो तरह तरह के रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं, और उनमें से उनका किरदार लड़की का भी रहा है। एक्टर ने अपने करियर में कई बार लड़की का रोल प्ले किया है। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? वो है ना? ये? हाँ, कमल हासन ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। उन्होंने भी अपने करियर में कई डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, और उनका फिल्म चाची 420 में निभाया गया किरदार लोग आज भी भूल नहीं पाए। अपना नाम अपना होता है, फिर कितना भी फालतू और हलकट क्यों ना हो, अपना नाम नहीं बदलने का रे बाबा। सोडा वाटर। परेश रावल ने भी अपनी फिल्म टिक्कू में एक लेडी का रोल प्ले किया था, जिसमें परेश रावल काफी बेहतरीन नजर आए थे। प्रकाश राज ने कई लैंग्वेजेस की फिल्मों में काम किया है। बता दें कि एक्टर ने अपनी फिल्म अप्पू में महारानी का किरदार प्ले किया था। श्रेया सलपड़े ने गोलमाल फ्रेंचाइजी में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। इसके अलावा एक्टर ने कई और भी फिल्मों में काम किया है जिनमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन श्रेयस ने भी अपने एक फिल्म में लड़की का रोल प्ले किया था, और वो फिल्म थी पेइंग गेस्ट। चौधरी को हम उनके धमाल फिल्म में निभाए गए रोल बोमन कॉन्ट्रैक्टर के लिए जानते हैं। उनकी इस फिल्म में की गई एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था, और आज भी इस मूवी को लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन इस फिल्म के सीक्वल डबल धमाल में आशीष ने एक लड़की का रोल प्ले किया था जिसमें वो काफी प्रेटी लग रहे थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी लेडी का किरदार प्ले कर चुके हैं। बता दें कि उनके 1998 में आई फिल्म डुप्लीकेट में शाहरुख खान ने लेडी का किरदार प्ले किया था। इस किरदार में शाहरुख खान को देखना उनके फैंस के लिए किसी शौक से कम नहीं था। तो ये थे बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो सिल्वर स्क्रीन पर फीमेल किरदार प्ले करते हुए नजर आए हैं। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो
और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।